लोगों सब पिकनिक पे लेके गए थे, नाव में बिठाए थे वो तो, और ये लोग कुछ सेफ्टी भी नहीं पहनाए थे बच्चों को। स्टार्टिंग 8 फीट से चल रहा था लेकिन बीच में एकदम ही 22 फीट का गड्ढा है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्वायरी हो। लोगों सब पिकनिक पे लेके गए थे, नाव में बिठाए थे वो तो, और ये लोग कुछ सेफ्टी भी नहीं पहनाए थे बच्चों को, और 12 जन की नाव थी वो तो, लोग 27 जन टोटल बैठे थे, तो ये तो गलत है ना। छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे, कितने बच्चे हमारे तो, हमारा एक बच्चा ऑफ भी हो गया। क्या नाम आपका बच्चा? नहीं, मेरी यही मेरी देवरानी का बच्चा है वो भी दो। कैसे हुआ हादसा? ये तो बोलती कुछ नहीं, अचानक से नाव ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी, अचानक से सब डूब गई, नाव सब डूब गए। हाँ, वो 2 जन साथ में थे नाव चलाने वाले, उन लोग ही इसको निकाले बोलते। पूरा सर्च ऑपरेशन हो जाने के बाद अंडर वाटर कैमरा की मदद से हम लोग देखते हैं, कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ जो शाम को दिक्कत हुई थी कि एक नाम के 2 बच्चे थे तो उसकी वजह से कुछ हो सकता है अंदर हो, तो उसकी वजह से अंडर वाटर सर्विलेंस कैमरा से हम लोग पूरी लास्ट में एक सर्च ऑपरेशन करते हैं पानी में, वो अभी चल रहा है। सर, ये पानी कितना गहरा है और ये जो तालाब है वो कितने किलोमीटर के दायरे में? जी, पानी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग 8 फीट से चल रहा था लेकिन बीच में एकदम ही 22 फीट का गड्ढा है, तो उसके 8 फीट और 22 फीट के बीच में ये बोट जो पलटी थी, तो कुछ बच्चे बहुत गहरे पानी में फंस गए थे और कुछ बच्चे जो 8 फीट में, लेकिन उनकी जाने चली गई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इन सभी बच्चों को न्याय मिले, उनके परिवारजनों को न्याय मिले, किसी भी प्रकार की छटकबारी गैप इन दोषियों को ना मिले, उसके कारण एक बहुत ही स्ट्रांग इंक्वायरी हो और इन सभी आरोपियों पे 304, 308, 114 की कलम लगाई गई है। 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं और एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी वडोदरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई है। खासतौर पे प्रधानमंत्री जी द्वारा जिन्होंने अपनी जान गंवाई है ऐसे लोगों के लिए 2 लाख रुपए और जो इजाग्रस्त है, जो हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको 50,000 रुपए मुआवजा दिया गया, और राज्य सरकार द्वारा जिन्होंने अपनी जान गंवाई है ऐसे परिजनों को 4 लाख रुपए और जो लोग अस्पताल में भर्ती है उनको 50,000 रुपए मुआवजा डिक्लेयर किया गया।